क्रिकेटिंग डाल लो बेटा सब लोग। और इसमें सबसे पहली हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट ये इस ईएम वेव से पहला टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। बेटा डाल लिया सबने? बेटा स्टार्ट करें। हाँ सर, चलो तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट देखो क्या है। तुम लोगों ने एक ऐसा टॉपिक पढ़ा था कुछ इससे पहले जो ईएमआई कर रहे थे, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। यस बोले बेटा याद आ रहा है कुछ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड? ईएमआई में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था बताओ। बेटा कुछ आवाज नहीं आ रही, बताओ किसी की? सर, आ रही है आवाज आपकी। हाँ तो नहीं, मुझे तो नहीं आ रही तुम लोगों की। मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था। सर ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से प्रोड्यूस होते हैं अच्छा, और सर। क्या पढ़ा क्लोज था? इंटीग्रल ऑफ ईडीएल 0 होता इसका ईडीएल 0 होता है कि बीडीएल 0 होता है? बीडीएल तो बी डॉट डीएल तो म्यू नॉट आई होता है, सर। ईडीएल 0 होता है स्टैटिक फील्ड के लिए। स्टैटिक के लिए 0 होता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डॉट डीएल कितना होता है? सर माइनस डी फाई बाई माइनस डी डी टी। फाई बाई डी। हाँ अब देखो मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार तुम लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने सोलेनोइड में पढ़ा था। इस सोलेनोइड में जहां पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड आती है इस सोलेनोइड के भीतर करंट पे डिपेंडेंट होती है, मतलब अगर बाहर करंट आई हो तो अंदर जो हमारी फील्ड आती है वो आती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये करंट पे डिपेंडेंट होती है। अब अगर हम करंट बदलेंगे तो फील्ड बदलेगी। जब यहाँ पे फील्ड बदलती है तो यहाँ पे अगर हम इसको पीछे इसका क्रॉस सेक्शन देखें, इसका क्रॉस सेक्शन देखें, वो सर्किल हमें दिखाई देगा। तो उस रीजन में, सर्कुलर रीजन में, जैसे मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ, इसको अगर मैं लेफ्ट या राइट से देखूंगा तो पक्की बात है मुझे फील्ड लाइंस अंदर की जाते हुए ऐसे दिखाई देंगे। अब जब करंट वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, तो इस रीजन में इसको अगर तुम देखोगे सोलेनोइड को, तो यहाँ पे फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। फ्लक्स वेरिएबल होगा तो अब देखो यहीं पे तुमको जो है एक नया इंटरेस्टिंग फिनोमेना मिलेगा, और वो ये है कि जब किसी रीजन में फ्लक्स बदलता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो तुमने पढ़ा ही था फैराडे लॉ और लेंज लॉ में, उसके आगे की कहानी है कि जब कहीं पे फ्लक्स वेरिएबल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स वेरिएबल है, तो वहां पे अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है भले ही वहां पे कोई चार्ज ना रखा। तुम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है, तो जब बिल्कुल क्लास 12 स्टार्ट किया था तुमने बोला था चार्जेस से आती है, स्टेशनरी चार्जेस से आती है। जहां पे कहीं पे स्टेशनरी चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। अब मैं यहाँ पे आके तुम्हें एक नई कहानी, नई कहानी कह तो कर ही चुके हो कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, देखो यहाँ पे सोलेनोइड कोई चार्ज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, तो अपने आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। और तुम लोगों ने पढ़ा होगा वो इस टाइप से कुछ ऐसे क्लोज लूप के फॉर्म में, जबकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुमने चार्ज वाली पढ़ी थी जिसको बोलते थे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और ये वाली जो मैं तुमसे फील्ड पूछा हूँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, स्टैटिक चार्जेस की नहीं है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये आती थी इंटीग्रल ई डॉट डीएल पूरे लूप पे होती थी और क्लोज लूप के फॉर्म में, जबकि ये कैसी होती, क्लोज लूप कर नहीं होती थी, ये होती थी पॉजिटिव से ओरिजिनेट नेगेटिव से टर्मिनेट, कभी क्लोज लूप नहीं बनाती थी। क्यों? क्योंकि तो क्लोज लूप बनाने के लिए तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव वापस आना पड़ेगा, बट ये होती थी। और ई डॉट डीएल की वैल्यू आती थी माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो टाइम के साथ बदलने की रेट होती है वो इंटीग्रल ई डॉट डीएल के इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है।
अच्छा ये बताओ, ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताओ। क्या ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉजिटिव से ओरिजिनेट नेगेटिव से टर्मिनेट होती थी कि क्लोज लूप बनाती थी? क्लोज लूप। क्लोज लूप बनाती थी। अच्छा दूसरी चीज, ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ये स्टेशनरी चार्जेस से आती थी कि फ्लक्स के बदलने से? फ्लक्स के चेंज से आती थी। ठीक है। अच्छा ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, हाँ ये कंजर्वेटिव होती थी कि नॉन कंजर्वेटिव होती थी? नॉन कंजर्वेटिव। ये क्या होता है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव और यहाँ पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर मैं एक चार्ज को यहाँ पे एक इसमें यहाँ पे एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे क्लोज लूप के फॉर्म में चलाऊं, यहीं पे घुमा के यहीं पे ले आऊं चार्ज को, तो पहले वर्क डन पॉजिटिव है, फिर वर्क डन नेगेटिव है, टोटल वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, पार्टिकल जब आता है तो उतनी स्पीड से वापस आता है कंजर्वेटिव उतनी एनर्जी से। लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, जब इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को चला के छोड़ दो, जब घूम फिर के आएगा तो क्या उस पर टोटल वर्क डन जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? हेलो यार, ये सब तो पढ़ चुके हो ना तुम लोग भाई, अगर म्यूट करके बोलोगे तो मुझे कैसे सुनाई देगा? अनम्यूट करके बोलो ना सर। नॉन जीरो होता है, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी होती थी? क्लास 11 में पढ़ा था, ऐसे कंजर्वेटिव फोर्सेस कंजर्वेटिव फील्ड वो होते थे जिनका क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है यहाँ पे क्यूई, क्यूई डॉट डीएल, क्यू तो वैसे कभी भी जीरो नहीं होगा, तो ई डॉट डीएल की तो बात हुई, तो कंजर्वेटिव में तो ई डॉट डीएल जीरो होता है। याद करो कंजर्वेटिव में पोटेंशियल क्या बताता है कि भाई स्पेस में इस पॉइंट पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो अब तुम किसी भी पाथ से चले आ जाओ, किसी भी पाथ से चले आ जाओ, तुम उस पॉइंट पे पहुंचोगे तो 5 वोल्ट ही पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल स्पेस में किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी। यही तो कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है कि उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी भले तुम किसी भी रास्ते से आ जाओ। वैसे यहाँ पे एनर्जी mgh है ग्राउंड से, अब तुम ग्राउंड से सीधे पहुंचो चाहे पैराबोलिक पाथ में इस पॉइंट पे पहुंचो या इंक्लाइन प्लेन पे इस हाइट पे पहुंचो, h मतलब mgh, तो जो कंजर्वेटिव होती है वो इस हाइट पे सेम एनर्जी देंगी। तो वैसे ही है, जो एक्चुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती थी वो कंजर्वेटिव होती थी, बट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है, उसमें बेटा इसी पॉइंट पे जब तुम दोबारा आओगे कोई गारंटी नहीं कि उसी एनर्जी पे आओ, दोबारा आओगे तिबारा आओगे चौबारा आओगे हर राउंड में उसकी एनर्जी चेंज होती रहेगी, क्योंकि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नॉन कंजर्वेटिव होती है। अच्छा एक और बात बताते हैं, ये क्लोज लूप बनाती है, जबकि ये जो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती थी तो क्लोज लूप नहीं बनाती थी। एक और चीज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है इस बी के साथ, देखो बी जो है यहाँ पे जेड एक्सिस में है और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एक्स वाई प्लेन में, ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल बी, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल बी, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। बोलो ये बात सबको पता है ये सारी बातें? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं मामला। अब मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूं, अगर ई और बी, मैंने तुमको अगले लास्ट चैप्टर में तो मैंने तुमको एलसी सर्किट में बताया था कि ई और बी एक ही टाइप की चीज होती है, अगर ई और बी एक ही टाइप की चीज होती है तो सिमिलर टाइप का बिहेवियर होना चाहिए, तो यहां पे अगर बी बदल के ई ला सकते थे तो इसका उल्टा क्या होगा? B बदल के अगर E ला सकते थे तो उल्टा क्या हुआ, रिवर्स क्या हुआ? E बदल के B ला सकते हो। अच्छा B के लिए हम सोलेनोइड यूज करते थे, तो E के लिए क्या यूज करेंगे? E के लिए हम लोगों ने कौन सी चीज पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने के लिए, कौन सा एक ही डिवाइस तो पढ़ी है? बोलो कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटर में हम लोग E बदल के B ला सकते हैं, कैपेसिटर में E बदल के क्या ला सकते हैं? B। ठीक, अब यही करने जा रहे हैं। अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें
कि कैपेसिटर में, ये हमारा कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में हमको मालूम है क्या क्या चीजें हैं कि जब ये कैपेसिटर किसी मोमेंट पे, इस पे प्लस क्यू और माइनस क्यू का चार्ज होता है, तो यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फील्ड आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा दैट इज क्यू बाई ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ए प्लेट एरिया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ रे स्पेस है, क्यू प्लेट्स के ऊपर चार्ज है। अब ये तुम देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सीधे चार्ज पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं किसी तरीके से कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो चार्ज है प्लेट्स के ऊपर उनको वेरिएबल कर दूं, तो अगर चार्ज वेरिएबल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी वेरिएबल हो जाएगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल कर दूं तो अगर सिमिट्री है, बी के बदलने से ई आता था, तो अब मुझे बताओ बेटा ई के बदलने से क्या आना चाहिए, बोलो बी आना चाहिए। तो एक एक बंदा था, उसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने यही किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया एक्सपेरिमेंट? उसने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया एक वेरिएबल सोर्स से, ये रहा कैपेसिटर पर ये वेरिएबल सोर्स, एसी के भी जैसा नहीं है, पर ये है कि हम वोल्टेज यहां पे बदल रहे हैं। यहां पे एक सोर्स है जो क्या कर रहा है, यहां पे डीसी भी हो सकता है, बट किसी मोमेंट पे यहां पे चार्ज, अभी उसने चार्जिंग की नहीं कैपेसिटर की पूरी, तो उस सोर्स ने यहां पे कुछ क्यू चार्ज दे रखा है और क्यू वेरिएबल है, क्यू बदल रहा है, क्यू बदल रहा है, तो डीटी टाइम में ये क्यू से, डीटी टाइम में ये क्यू से क्यू प्लस डीक्यू चार्ज बदल रहा है, यानी कि सर्किट में करंट है डी क्यू बाई डी टी, और ये वायर में जो दौड़ रही है करंट उसको एक नाम रख देते हैं आईसी, कंडक्शन करंट, क्योंकि यहां पे चार्ज सच में इलेक्ट्रॉन चल रहा है। अब यहां पे चार्ज बदल रहा है, तो यहां पे पक्की बात है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही होगी, ये बदल रही होगी, क्योंकि ऊपर लिखा था ई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई ई एप्सिलॉन नॉट है। अब अगर ई बदल रही है तो बी आई की नहीं आई, इसको देखने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक कंपास लिया, मैग्नेटिक कंपास। कंपास समझते हो सब लोग? Yes. सबने देखा है। तो मैंने एक कंपास लिया और उस कंपास को रखा मैंने यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखा दोनों केस में कंपास कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। कंपास कब डिफ्लेक्शन शो करेगा? जब उसको अर्थ की फील्ड तो कह रही है, उसके सिवा कोई फील्ड आए तो भाई ये वायर है ना, इनमें करंट है, यहाँ पे करंट है आईसी, यहाँ पे करंट है आईसी, सी फॉर कंडक्शन, कंडक्शन करंट है ना, ड्रिफ्ट करंट, कंडक्शन करंट। तो ये जो आईसी है इसने यहाँ पे कंपास में डिफ्लेक्शन शो किया। अच्छा बताओ अंदर कोई करंट होती है क्या कैप्चर के भीतर? कैप्चर के भीतर कोई करंट हो सकती है? यहाँ तो खाली है ना, एयर भरी है, कोई तार तो है नहीं, कोई वायर तो है नहीं, अंदर कोई प्रैक्टिकली करंट हो सकती है क्या? नो सर, नहीं हो सकती। लेकिन सरप्राइज, मैक्सवेल ने जब यहाँ पे कंपास रखा तो देखना, देखा उसने बेटा यहाँ पे अंदर भी डिफ्लेक्शन आ रहा है कंपास का, और बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है जितना बाहर आ रहा था। ऑफ कोर्स उतनी डिस्टेंस पे रखो, बहुत ज्यादा दूर मत रखो, सिमेट्रिकल वे में रखो, तो देखा कि उतना ही डिफ्लेक्शन आ रहा है जितना बाहर आ रहा था। इसका मतलब है, और तुमको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा करंट से आती है। अब मैग्नेटिक फील्ड करंट से आती है तो यहाँ अंदर करंट तो है नहीं, ये तो फील्ड लिखी हुई है, करंट हो ही नहीं है फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट तो बेटा चार्ज के चलने से यहाँ पे थी, अंदर तो कोई करंट हो ही नहीं सकती। कब हमने बोला कि कैप्चर के भीतर हवा में करंट चलती है? हम तो ये बोलते थे यहाँ पे प्लस क्यू थी, यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस होता है, कि थोड़े बोलते थे कि करंट चली 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर तो यहाँ पे भी 2 एम्पीयर। तो एक, अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ बेटा, कि जो हम बोलते थे कि यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट और यहाँ पे जीरो बोल देते थे, वो गलत बोलते थे, अंदर भी करंट होती है, बिल्कुल होती, वो उतनी होती है जितनी बाहर होती है, और अब वो करंट डिफरेंट टाइप की है। जैसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होती थी, है ना, नॉन कंजर्वेटिव, जबकि ये कंजर्वेटिव होती थी, ये चार्ज की वजह से आती थी, ये मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से आती थी। वैसे ही जैसे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, वैसे यहाँ पे जब चार्ज बदलता है, क्यू वेरिएबल है, क्यू वेरिएबल है, ई
वेरिएबल है, और ई अगर वेरिएबल होगा तो यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बदलने से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड ही कंपास पे डिफ्लेक्शन दे रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट से आती है, तो यहाँ पे अंदर भी एक करंट होती है। तुम बोलोगे कहाँ है वो करंट, दिखाओ, तो मैं बोलूंगा बेटा मैं दिखा नहीं सकता, बट वो करंट होती है, और वो करंट चार्ज के चलने के फॉर्म में नहीं होती, वो करंट चार्ज के चलने के फॉर्म में नहीं होती, वो करंट होती है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। मतलब वो करंट अपनी प्रेजेंस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में शो करती है, और वो करंट बिल्कुल उतनी होती है जितनी बाहर है। बाहर दो तो अंदर भी दो, बाहर तीन तो अंदर भी तीन, बाहर जीरो तो अंदर भी जीरो। और वो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने यानी कि डिस्प्लेस होने से आती है, इसलिए अंदर वाली करंट को हम एक नाम देंगे कैपेसिटर के भीतर अंदर जो करंट है, या इनफेक्ट कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बदलने से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक करंट से आ रही होती है, जिसको आज के बाद से बोलेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। बोले बेटा थोड़ा कुछ समझ में आया डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, मीनिंग डिफिनेशन तो लिखवा दूंगा। सर, इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते इससे हैं बता। हाँ बता रहा हूँ, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो इसका डायरेक्शन ऊपर पहले वाले करंट का डायरेक्शन से सेम होता है ना। हाँ डायरेक्शन सेम होता है। और क्या क्वेश्चन था, किसी का और भी कुछ क्वेश्चन था? सर, इससे पहले वाले चैप्टर में भी तो करंट वेरिएबल था कैपेसिटर के अक्रॉस, तब क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड? पहले वाले चैप्टर में करंट वेरिएबल था एसी सर्किट में कैपेसिटर के भीतर, वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट करंट आ रही होगी, वहां पे भी कैपेसिटर के भीतर डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, कैपेसिटर वहां की पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। सर, वहां पे भी कैपेसिटर के भीतर डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। इसके बाद क्या पूछ रहे बेटा? तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी? हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी हमेशा। और वो जो एसी सर्किट में कैपेसिटर है उसी के थ्रू तो हम पैदा करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये जो हम लोग करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल आएगी। अब इसको डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों कहते हैं? तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, क्यू बदला, इलेक्ट्रिक फील्ड बदली, वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलने को, टाइम के साथ बदलने को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेस होना, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेस होने से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, एक करंट पैदा हो जाती है, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोलेनोइड के भीतर बी के बदलने से ई इंड्यूस होती थी, वैसे ही मैं तुमको बोल रहा हूं सोलेनोइड का भाई कैपेसिटर। भाई सोलेनोइड बी पैदा करने के लिए होता था, कैपेसिटर ई पैदा करने के लिए होता है। वहां पे हम बी बदलते थे, यहाँ पे ई बदल रहे हैं, तो वहां पे बी के बदलने से ई आती थी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ई के बदलने से बी आती है, और ई के बदलना यानी कि ई के डिस्प्लेस होने से बी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह हमेशा एक करंट होती है, और उस करंट को जो दिख नहीं रही है चार्ज के चलने के फॉर्म में नहीं दिख रही है, बल्कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आ रही है, उस करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। बोलो बेटा रीजन मिल गया डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम क्यों पड़ा? यस ठीक, तो लिखो डिस्प्लेसमेंट करंट की डिफिनेशन। सर, बोलो बेटा। सर ये करंट का नेचर कैसा होता है ये समझ में नहीं आया सर। और ये बताइए, आपने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आप कह रहे हैं करंट आते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इस एक होती है करंट ऐसी जो हम लोगों ने आज तक पढ़ी है, जो इलेक्ट्रॉन के चलने से आती है। इलेक्ट्रॉन चले लेफ्ट तो बोलते हैं करंट राइट, इस करंट को बोलते हैं बेटा कंडक्शन करंट। ठीक, इसको मैंने आईसी लिखा है। और एक करंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चलते ही नहीं, वायर भी नहीं होता, और बता, वायर भी नहीं होता, सिर्फ क्या एक रीजन ऑफ स्पेस है, और उस रीजन ऑफ स्पेस में करंट है कि नहीं है? करंट जैसी कोई चीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहे। बचपन में जो हमने डिफिनेशन पढ़ी थी ना, करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, अब मैं तुमको बोल रहा हूँ डिफिनेशन ही इनकम्प्लीट थी, ये बोल रहा हूं मैं। तो जैसे हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट एट नेगेटिव, फिर अब बोलते नहीं ऐसा भी होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट नेगेटिव ना हो, यहां पे आके बोलते हैं ना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अभी वही डिफिनेशन बोल रहा हूं, करंट की जो डिफिनेशन पड़ी थी फ्लो ऑफ चार्जेस, मैंने बोल रहा हूं इनकम्प्लीट थी। एक वो भी करंट होती है जो चार्ज के चलने के फॉर्म में नहीं होती, चार्ज ही नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, तो फिर है कैसे? बस वहां पे उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और बिना
मैग्नेटिक फील्ड है, और बिना किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड है। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आती है, या तो किसी मैग्नेट से आती है, करंट कैरिंग वायर से आती है, या फिर ना यहाँ पे कोई करंट कैरिंग वायर है कैपेसिटर के भीतर, ना यहाँ पे कोई मैग्नेट है, तो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से, एक हाइपोथेटिकल करंट से आई। वो हाइपोथेटिकल करंट तुम्हें दिखेगी नहीं, कभी कभी नहीं दिखेगी चार्ज के चलने के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से अपने आप मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है, करंट नहीं है, उसको नाम दे दिया गया इस हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह को, कि यहाँ पे एक करंट है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे पता है, फिर कैसे बोल रहे हैं करंट, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, तो बोले इसीलिए बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट अपनी प्रेजेंस शो करती है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। भाई ये करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती है तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब कोई करंट भी होगी, कैसी करंट है तो नहीं, चार्ज के चलने के फॉर्म में तो नहीं है, तो एक हाइपोथेटिकल करंट इसका रीजन बताया जाता है कि ये हाइपोथेटिकल करंट होगी जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। बोलो बेटा आप समझ में आया? यस सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अभी करेंगे और करेंगे इस पर। यस हाँ, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हुआ होगा, नॉर्मल करंट नहीं, तो लिखो कॉपी में डिस्प्लेसमेंट करंट की डिफिनेशन, लिखो डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट इंड्यूस्ड, डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट इंड्यूस्ड इन ए रीजन व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। सर व्हेनेवर के बाद? व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम in a particular region of space, in a particular region of space, displacement current is the current induced, displacement current is the current induced whenever electric field or electric flux varies with respect to time in a particular region of space. Alternatively, ek dusre tarike se bhi isko likh lo, alternatively whenever electric field changes with respect to time, whenever electric field changes with respect to time in a particular region of space, in a particular region of space, whenever electric field changes with respect to time in a particular region of space, a magnetic field is induced in that region. 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 And a hypothetical current. And a hypothetical current. And a hypothetical current is the region behind this induced magnetic field. And a hypothetical current is the region behind this induced magnetic field. And a hypothetical current is the region behind this induced magnetic field. This hypothetical current, which is produced, this hypothetical current which is produced
डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस हाइपोथेटिकल करेंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करेंट. This hypothetical current which is produced due to the displacement of electric field is called displacement current. Sir? Sir, तो जैसे electromagnetic induction में जैसे हम magnetic flux change करके induced EMF आता था हमारा, ये उसका उल्टा है एकदम. हाँ बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल. और यही तो इस चैप्टर का क्रक्स है कि E और B दोनों एक ही चीज है, सिमेट्रिकल चीज है, टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन है. तो जो E के साथ, जैसा E के साथ B के लेकर होगे वैसे B के साथ E के लेकर होगे, और दोनों एक ही चीज है. यही तो बैठाना है दिमाग में, यही है एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं. बस धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी और बताएंगे इसमें. पहले बेटा इतना लिख लिया सब लोगों ने, फिगर बना लिए थे, ये वाले फिगर बना लेना समझने के लिए बैकग्राउंड. ये वाला पहले पेज वाले भी बना लो, लिख लो, क्योंकि सिमेट्री बिठाने के लिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पता होना जरूरी है. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. पहले ये वाला पेज लिख लो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला. हालांकि डिस्प्लेसमेंट करंट का इसमें कहीं कोई फॉर्मूला या कुछ नहीं है, ये तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन समझने के लिए ये भी जरूरी है. लिख लिया बेटा ये पेज. वन मिनट सर. हो गया. चलो सर. यस सर. ये वाला पेज कर लो. और यहाँ पे मैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ये लिख दे देता हूँ. इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वहां पे इंडक्टर बना रहे थे, यहाँ पे कैपेसिटर बना रहे हैं. ये सिर्फ समझने के लिए. ऑफ कोर्स इसका अभी कोई फॉर्मूला वॉर्मूला तो हम लोगों ने नहीं बनाया, और धीरे धीरे भी बातें और समझाऊंगा. अभी तो ये बता रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल ने किया और उसने ये प्रूव कर दिया कि भाई ऐसा भी होता है कि भाई जैसे वहां पे बी के बदल वहां पे ई के बी के बदलने से ई आ रही थी, तो ई के बदलने से बी भी लाई जा सकती है,
और उसने देखा भाई आ रहा है, ई के बदलने से बी आ रहा है, कैप्सटर के पेट के भीतर बी आता है, मैग्नेटिक फील्ड आती है जो मैंने दिखाई नहीं है, वो ये जैसे हमने दिखाई ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल डायरेक्शन में आती है, ऐसे आती है इसके टेंजेंशियल 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 ऐसे आती है। बोलो बेटा दिखा दिया बेटा, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों कहते हैं? अच्छा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेस होने से आ रही है, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज, चेंज इन पोजीशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, पोजीशन मतलब स्पेस नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, हाँ सर, बोलो बेटा लिख लिया इतना सबने? ठीक एक मिनट। सर, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज लूप में वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? डिपेंड्स, अब अगर तुम जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके अलॉन्ग चल रहे हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक्यूट एंगल बनाएगी, बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होगे तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर 180 डिग्री बनाएंगे तो एफ डॉट डी कॉस 180 माइनस 1 नेगेटिव आएगा। डिपेंड्स, दोनों हो सकती है, कैसे चल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। सर, ये आपने आईडी का डायरेक्शन किधर बनाया है? बेटा आईडी का डायरेक्शन यही बना है जो आईसी का डायरेक्शन, राइट वर्ड सेम, जो एरो बने ना वही येलो वाले एरो, ई वाइट है, येलो वाली आईडी है, कैपेसिटर की फुल प्लेट्स के, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट वायर की तरह, पूरे कैपेसिटर की प्लेट के पूरे पूरे एरिया में, अभी बताने जा रहा हूँ सारी बात बताने जा रहा हूँ। सर, आपने क्या बताया था टेंजेंशियली क्या होता है? अभी बता रहा हूँ इसको, अगले फिगर में क्योंकि इसी में बताऊंगा थोड़ा सा हॉस्पॉस हो जाएगा, अगले पेज में बताने जा रहा हूँ, इतना लिख लो फिर बताता हूँ। हाँ, हो गया था। चलो आगे बताता हूँ, एक पार्टीशन कर लेना पेज पे, और लेफ्ट हैंड पे लिखना कंडक्शन करंट, राइट हैंड पे लिखना डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट क्या होती है? तो कंडक्शन करंट वो करंट होती है जो कि आती है फ्लो ऑफ चार्जेस, कंडक्शन किसका, कंडक्शन मतलब चलना, किसका चलना, चार्जेस का चलना, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन, कितनी होती है डीक्यू बाई डी टी होती है, बाई डी टी टाइम में डीक्यू चार्ज चल जाए तो डीक्यू बाई डी टी होती है। ये करंट भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, और यही करंट की तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने की थी, कहाँ पे की थी, तो जो बायो सेवर्ट लॉ किया था ऐसे ही तो किया था भाई, बायो सेवर्ट लॉ किससे किया था कि अगर कोई कंडक्शन करंट हो आईसी तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की थी हम लोगों ने, और इनफेक्ट बायो सेवर्ट लॉ से ज्यादा जनरल था एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर्स लॉ क्या बोलता था, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वहां पे जो आई होता था कंडक्शन करंट, वायर की करंट, उसको आईसी लिख देते हैं। अब हम उसको आईसी लिख रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरी करंट भी दिखाना चाहते हैं। ये जो करंट होती थी बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप की करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस के फॉर्म में, ये वायर के अंदर होती थी, यहाँ पे एक वायर होना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए जिसमें ये करंट चले, ऐसे हालो नहीं होती थी, इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड होती थी, एम्पियर्स लॉ से निकाल सकते थे। अब मैं तुमको बोलने जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये करंट फ्लो ऑफ चार्जेस के फॉर्म में नहीं होती, कोई चार्ज चलता नहीं दिखाई देगा, तो तुम ये ढूंढने की कोशिश करो कि चार्ज कहाँ चल रहे हैं, करंट कहाँ चली, तो कुछ ही नहीं, कोई वायर भी नहीं दिखाई देगा, कोई वायर भी नहीं है, तो
तो फिर है कौन सी करंट? ये करंट है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये क्या चीज है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट? तो यही तो बता रहा हूं कि जब ई बदलने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम हो जाती है तो वहां पे बी इंड्यूस हो जाती है। अब बी इंड्यूस हो जाती है तो ये कैसी बात है? देखो बेटा, ये कैपेसिटर की प्लेट के भीतर ई फंक्शन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे देखा गया प्रैक्टिकली कंपस रख के देखा गया। वही तो बता रहा था कि कंपस अगर रखोगे तो दिखाई देगा, कंपस रखोगे तो ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियल 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 टेंजेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है तो ये लूप मान लो वाई जेड में है, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बी इंड्यूस्ड आएगी। और मैं क्यों बोल रहा हूं, तो देखो थोड़ी देर पहले तुमको लग रहा था मैं फालतू में बोल रहा हूं, देखो ये जब बी को बदलने से ई इंड्यूस आता था तो परपेंडिकुलर होता था, अब मैं तुमको बोल रहा हूं कि ई को बदलने से जो बी इंड्यूस आता है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि अल्टीमेटली जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मुझे यही बताना है कि ई और बी हमेशा एक ही चीज है, बट वो ई बी में, वो बी में बदलता रहता है, और जब भी ई के बदलने से बी और बी के बदलने से ई आता है तब बी भी एक डायरेक्शन में नहीं आता, एक डायरेक्शन तो छोड़ो एक ही प्लेन में नहीं आता, हमेशा मुश्किल परपेंडिकुलर होता है। ई और बी हमेशा मुश्किल परपेंडिकुलर चलते हैं। लाइट, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ई और बी आपस में 90 डिग्री पे चल रहे हैं। एक्सरे, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इन सब में गामा वेव्स, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के जो स्पेक्ट्रम होते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, लाइमन, बामर, पाशन, बैकेट, वहां पे इलेक्ट्रॉन के इधर उधर एक्साइड डीएक्साइड होने से जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उनमें जो वेव्स निकलती हैं वो सब के सब में जो ई और बी दोनों होते हैं वो ई की वजह से बी, बी की वजह से ई जो आता है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो जैसे कैप्चर की प्लेट के भीतर ई एक्स में हो तो मैग्नेटिक फील्ड वाई जेड में होगी। वाई जेड में कहाँ होगी? तो वाई जेड में अगर तुम एक सर्किल बनाओ तो उसके टेंजेंट 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 मतलब वाई जेड प्लेन के, जैसे अगर इसको सामने से देखो सर्किल तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा 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 ऐसा, ये वाला पुराना फिगर। बोलो बेटा ये बात सुन में आई? आप सुन में आई? बी आता है तो करंट कहाँ है? तो करंट तो बेटा है ही नहीं कहीं, वो तो मान रहे हैं वो करंट है ही नहीं, उसी कोई मतलब एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो हम क्यों बोल रहे थे बी के फॉर्म में शो करता? भाई हम ये बोल रहे हैं कि हम अपनी एक ओरिजिनल, भाई करंट की डिफिनेशन होती थी फ्लो ऑफ चार्ज, अब तो बोले भाई करंट की डिफिनेशन फ्लो ऑफ चार्जेस ही नहीं होती। तो हम बोले कि करंट क्या है? करंट वो है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे। करंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है, इस डिफिनेशन से यहाँ पे एक करंट है, एक हाइपोथेटिकल करंट है जो इस मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर रही है। अब बताओ, खुद ही बताओ तुम बेटा, तुम्हारे सामने एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो इसकी वजह तो एक करंट ही होगी ना। कैसी करंट होगी यहाँ पे? डॉट होगी, क्रॉस होगी, जो मैंने ऐसे बनाया लूप, कौन सी करंट होगी यहाँ पे? डॉट होगी। यस सर, डॉट। अब बताओ खुद, ये तो है लूप बना हुआ है वाईजेड का, वाईजेड का लूप बना हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक करंट होनी चाहिए, तभी तो होगी मैग्नेटिक फील्ड। मान लो एक करंट है, कोई है करंट, तभी आ रही है फील्ड, तो करंट किधर होनी चाहिए? वाई में होनी चाहिए, जेड में होनी चाहिए, एक्स में होनी चाहिए? एक्स में। एक्स में होनी चाहिए, उसी करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, भले वो हाइपोथेटिकल हो। यही हाइपोथेटिकल मैं तो साफ साफ बोल ही दे रहा हूँ, नकली है, जैसे सूडो फोर्स होता था, बट सूडो फोर्स तो बिल्कुल ही नकली होता है, तो बिल्कुल नकली नहीं है भाई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है कम से कम। तो ये एक वर्चुअल टाइप की एक करंट है जो चार्ज के चलने के फॉर्म में नहीं है, मैं तो खुद ही लिख रहा हूँ, नहीं है, ये कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव टाइप की है। क्यों वो सब बोल रहा था बकवास? सब बारी सारी बातें मैच करेंगी। मैं तुमको बोल रहा था, अगर तुमने ये टॉपिक ध्यान से पढ़ा था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो भी समझ में आना चाहिए। जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल था, अब मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल है। जैसे ये फॉर्मूला लिखा है, इसका भाई अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं लिख रहा हूँ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्लोज लूप, ये भी क्लोज लूप बनाएंगे, देखो क्लोज लूप बनना है तुम्हारे सामने बनाए, क्लोज लूप, ये देखो क्लोज लूप बना रहा हूँ, ये बी इंड्यूस का क्लोज लूप है। फिर मैंने बोला था कि देखो वहां पे परपेंडिकुलर है, तुम्हें बोला था कि तुमने पढ़ रखा है कि जो ई इंड्यूस थी वो बी के परपेंडिकुलर, अब मैं बोला बी इंड्यूस ई के परपेंडिकुलर है, वो भी चेंज से आती थी, ये भी चेंज से आती है डिस्प्लेस होने से, वो नॉन कंजर्वेटिव, ये भी नॉन कंजर्वेटिव, वो क्लोज लूप, ये भी क्लोज लूप, ये भी क्लोज लूप, ये भी देखो क्लोज लूप, क्लोज लूप, परपेंडिकुलर है ई के, क्लोज लूप है। हाइपोथेटिकल करंट आई डी, तो जैसे यहाँ पे आई सी होता था, एक वायर में दिखा देते थे साफ साफ सुंदर सा डी क्यू आई डी टी लिखे, तो बेटा यहाँ पे नहीं लिख पाओगे, यहाँ पे नहीं लिख पाओगे, यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आती है, मैक्सवेल ने निकाली एक्सपेरिमेंटली, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी,
जहां पे फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसी के ई बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा, इसी के तो बदलने चाहिए रही है। इस डिस्प्लेसमेंट करंट का सीधे फॉर्मूला है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये सीधे फॉर्मूला है। एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी आती है। हाँ ये अलग बात है, इसको समझ सकते हैं, समझाऊंगा अभी अभी। ये आती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। दो फॉर्मूले होते हैं करंट के, एक होता है डी क्यू बाई डी टी और एक होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। इसकी वजह से जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती थी, इंटीग्रल बी डॉट मी नॉट आई, अब मैं तुमसे बोल रहा हूं बेटा इसकी वजह से भी होती है, इसकी वजह से भी होती, बिल्कुल उतनी होती है। एम्पेयर्स लॉ अभी भी होल्ड करता है, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू मी नॉट आई होता था, होता है और होता रहेगा, क्योंकि एम्पेयर्स लॉ फंडामेंटल लॉ। मी नॉट आई सी तो होता ही था बट पूरा नहीं लिखते थे, एम्पेयर्स लॉ हमने कभी पूरा किया ही नहीं था। मी नॉट आई सी प्लस आई डी होता है, एम्पेयर्स लॉ का फुल फॉर्म इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू मी नॉट आई सी प्लस आई डी होता है। और अगर करंट ना भी हो, जैसे कैपेसिटर के भीतर आई सी नहीं था आई डी था, तो वही फील्ड पैदा कर रहा, तो बिल्कुल वही एम्पेयर्स लॉ से। देखो डॉट अगर करंट हो, अगर एक्स के अलॉन्ग करंट हो, तो वाई जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड वही क्लोज लूप एम्पेयर्स लॉ वाले फॉर्म में कर रहा है, एम्पेयर्स लॉ अभी भी होल्ड कर रहा है। ये एम्पेयर्स लॉ होता था और अब हम लोग करने जा रहे हैं एम्पेयर्स लॉ का मॉडिफिकेशन, जिसको बोलते हैं एम्पेयर मैक्सवेल, मैक्सवेल का कॉन्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल ने बताया सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की भी कोई चिड़िया होती है, वो भी फील्ड पैदा करती है, इसलिए जो हम लोग एम्पेयर्स का लिखते थे वो गलत नहीं लिखते थे बट आधा अधूरा था, उस आधा अधूरा को पूरा कर रहे हैं। और अब इसको लॉ को मिलाओ, इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, क्या लिखा है ई डॉट डीएल, यहां पे क्या लिखा है बी डॉट डीएल, यहां पे क्या लिखा है ई डॉट एल, क्यों आया मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से, यहां पे क्या लिख रहे हैं आईडी, आईडी क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बदलने से। बन गए देखो बिल्कुल एक दूसरे के काउंटर पार्ट, बन गए बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन। वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये जो बी डॉट डीएल में आईसी हटा दो, म्यू नॉट आईडी वाली जो बी आएगी वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है, फ्लक्स बदलता है, तो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह जो होती है, वजह दिखती नहीं है लेकिन होती है हाइपोथेटिकल सही, उस वजह को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बेटा आप थोड़ा समझ में आ रहा है, पहले से बेटर करना है कुछ सर, ये जो अपोजिट क्यों नहीं हुआ, बेटा अपोजिट नहीं होगा अभी बताते हैं, बिल्कुल सेम होगा और 100% सेम होगा, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल लॉस तो अभी भी वही है। मैंने बोला था हर टाइप के सर्किट में, हर टाइप के सिनेरियो में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा लगता है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी लगता है। किरचॉफ लॉ लगते हैं, पावर का फॉर्मूला पी इक्वल टू वी आई लगता है। और किरचॉफ लॉ में एक लॉ है कि किसी जंक्शन पे जितनी करंट आए उतनी करंट जाए, उसी डायरेक्शन में जाए। तो बट यहाँ पे अगर आईसी आ रही तो इधर कैसे घुस जाएगी, इधर घुस के दोनों करंट खत्म कहां हो जाएंगे बताओ बेटा। यहाँ दो एम्पेयर आ रही है, यहाँ दो एम्पेयर इधर कहाँ घुसी चली जाएगी, तो जाएगी। हाँ सर बेटा ये लिख लो सब लोग, एक बार ये बायो सेवर्ट लॉ वाला बता दीजिए। बायो सेवर्ट लॉ, यस बायो सेवर्ट लॉ तो होता था करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, मी नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो सर आपने उसके क्रॉस लगाया है ना, क्रॉस 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 क्रॉस। अच्छा ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो होती है ना अंदर बाहर, अंदर बाहर डॉट क्रॉस। तो सर मुझे लगा कि आपने उस शायद कुछ गलत। अच्छा अच्छा नहीं, मैंने वो बताया था कि ऐसे पढ़ा होगा कि एक वायर की वजह से डॉट क्रॉस, ये रीजन ऑफ स्पेस है, ये अलग फिगर है, ऐसे इधर डॉट मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रॉस माइनस जेड प्लस जेड सिंबॉलिक था वो। तो ये फिगर वाला पार्ट एक बार रिपीट करिए बेटा, कौन सा ये सर, ये तो फिगर बना है। अच्छा अच्छा देखो बेटा ये कैपेसिटर की प्लेट के भीतर ही है, अब बार बार वो दो डंडे नहीं दिखा रहे कैपेसिटर के खाली, ये ई है, ई बदल रहा है, ब्लू बदल रहा है, बदल रहा है, हाँ सर नहीं, हाँ नहीं बोलो बदल रहा है, बोलो बदल रहा है, बदल रहा है,
ई बदलेगा तो बेटा ई बदलने से एक इंड्यूस बी आएगा, है ना? आएगा आएगा। अब ई एक्स में है तो बी वाई जेड में आएगा, वाई जेड। अब वाई जेड को सर्किल को देखो बेटा, ये वाई जेड का सर्किल है, ये बेटा वाई जेड का सर्किल है, ये वाई जेड का सर्किल है, बोलो बेटा ये वाई जेड प्लेन है। अब ये वाई जेड में जो बी आया है इंड्यूस बी आया है, कैसा है बोलो बेटा? इंड्यूस बी। अब ये मुझे बताओ बेटा, इस इंड्यूस बी को मान लो एक करंट होती, जैसे जैसे तुमने मूविंग चार्ज मैट्रिक्स में पढ़ा था, तो वो करंट कहाँ होती? इसी प्लेन में होती, इस प्लेन के नॉर्मल होती, नॉर्मल होती। हाँ, तो वाई जेड प्लेन के नॉर्मल ये डॉट या क्रॉस टाइप की एक्स एक्सिस के अलोंग एक करंट आती। यही वाई जेड प्लेन है, ये डॉट और क्रॉस मतलब इसके नॉर्मल एक करंट आई है जिसको हमने नाम दे दिया आई टी। और इस आई डी की वैल्यू ये होती है, किसने बोला? मैंने नहीं बोला, मैक्सवेल ने बोला, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसके लिए मैक्सवेल जिम्मेदार है, बट मैक्सवेल कुछ बोलना चाहता था। मैक्सवेल ये बोलना चाहता था कि देखो इसको देखो, ई डॉट डी एल माइनस डी फाई बाई डी टी, तो वो क्या बोल रहा है? डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ई, ये क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई डी, आई डी से क्या आया? बी। देखो वही चीज तो बोल रहा है, ई के बदलने से बी आना। बोलो बेटा। यस सर। हाँ, यही समझाना चाहते थे, अभी और समझाएंगे, डोंट वरी, आज पूरी क्लास डिस्कशन करेंगे। सर ये एम्पियर्स लॉ कैसे लिखा है डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए? तो देखो बेटा, बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई तो होता ही था आईसी। यस सर। अगर कहीं पे आईडी भी है तो उसको भी ऐड करना चाहिए। नॉर्मली हम लोगों के अब तक आईडी होते ही नहीं थे, नॉर्मल वायर होते थे, कहाँ हम बदलना बदलना कहाँ देखते थे। ये तो ना बोल रही इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, हम तो बस वायर में करंट है तो है, तो हम क्या करते थे, आईडी लेते नहीं थे। लेकिन मैक्सवेल ने बोला कि नहीं, आईडी अगर है तो उसको भी ऐड करो बी निकालने के लिए, ठीक है, उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा बी में। बिल्कुल वैसे होगा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई तो लिखा हुआ है भाई, दो वायर होते I1 और I2 के, तो मिनट I1 प्लस I2 करते, तो वैसे ही I6 के साथ ID भी लो। बोलो बेटा लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सर। सर ये कोने में आप बी इंड्यूस क्लोज लूप करके क्या बता रहे थे, रिपीट कर दीजिए। बता रहा हूँ मैं आराम से, बता दूं अगले पेज पे, ठीक है? इस पेज का हो गया सारा? हाँ सर, इस तरह का हो गया। तो मैं ये इसको थोड़ा सा बड़ा बता देता हूँ, ओके, तो तुमको लोगों को कंफ्यूजन सारा खत्म हो जाएगा। मैं ये बता रहा था बेटा कि जैसे मान लो मेरे पास ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये ई, ठीक? यस सर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। यस सर, करती है। हाँ बोलो बेटा, कैसे करती है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड? ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बोल रहा हूं कि क्यू बदल रहा है, क्यू बदलेगा तो बोलो बेटा क्या बदलेगा? अब E बदली तो E बदलने से, E बदलना, बदलना मतलब टाइम के साथ बदला, अभी देखा तो कुछ और, थोड़े बाद कुछ और, तो ऐसी चीजों को क्या बोल सकते हैं? E as a function of time, टाइम के साथ बदल लेगी। अब अगर E टाइम के साथ बदलेगा तो वहां पे B आ जाता है, तो मैं ये बोल रहा था कि E X में है मेरे फिगर में, तो बेटा जो B आएगा इंड्यूस होके वो वाई जेड प्लेन में आएगा, परपेंडिकुलरिटी बता रहा था, और वो वाई जेड प्लेन का तुम सर्किल साइड से देखोगे तो अच्छा दिखाई देगा, सर्किल ऐसा दिखाई देगा, साइड से देखो ऐसा, ऐसे तो तुमको ऐसे रिंग के फॉर्म में दिखाई दे रहा टेढ़ा टेढ़ा, इसमें वाई जेड प्लेन में ऐसे ऐसे आएगा। अब बोलो बेटा ये बात समझ में आई? हाँ ना, कुछ तो बताओ। बेटा फिर साइलेंट हो गया, जिसने पूछा था उसके आवाज नहीं आ रही। यस सर, पूरी तरीके से समझ गए। अच्छा, तो बी वाई जेड में आया, तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो बी वाई जेड में आ रहा है उसकी भी जब भी कोई करंट होगी।
हाँ सर होगी। अब ये देखो वाई जेड प्लेन में जब फील्ड आती है मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा उसकी करंट जो होती है, करंट कैरिंग वायर नहीं हम लोग मानते हैं, तो करंट कैरिंग वायर बेटा हम लोग वाई जेड में तो नहीं मानेंगे, वो तो हम लोग इधर मानेंगे, वो तो हम लोग मानेंगे इसके ऐसे नॉर्मल मानेंगे। ये देखो नॉर्मल, ये मैं कलर बदल देता हूँ, ये है नॉर्मल, ये डॉट करंट मानेंगे। तो ये जो डॉट करंट आ रही है वाई जेड के नॉर्मल, वो इधर ही तो आएगी भाई, इसी करंट की तो, हाथ रखो तो हम ऐसे ऐसे सर्किल में पोटेंशियल लूं, मेरे हाथ देखो ऐसे तो आएगी। हाँ सर, तो यही करंट मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट, यही करंट है डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये एप्सिलॉन नॉट डीफाई बाई डीटी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा और तुम लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। ये कैपेसिटर बना हुआ है तुम्हारे सामने, तो मैंने क्या किया, ऐसा एक लूप लिया है और इसका एरिया लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिया है, तो बताओ मुझे फ्लक्स क्या लिखूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखूं? इंटू लिख सकते हैं। अच्छा तो बेटा फिर ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखी मैंने। अब ये बताओ बेटा ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा? यस सर। एप्सिलॉन नॉट से ऑब्जर्व कर जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो ये क्या बच गया? डिक्यूबेरिटी क्या था? IC. इसका मतलब है कि कैपेसिटर में ये जो बैटरी लगा के हम लोग जो यहाँ पे करंट इस्टेब्लिश कर रहे थे या सोर्स लगा के, ये IC है, ये IC है, ये IC है, ये IC है, लेकिन अंदर तुम बोल रहे हो कि ID है, और ID की वैल्यू एग्जैक्टली IC आती है, इसीलिए कंपास एग्जैक्टली सेम रिफ्लेक्शन दे रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं, बस चार्ज के चलने के फॉर्म में नहीं दिखती, और ये आईडी पूरे ऐसे 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 होती है, कितने इस पूरे रीजन में होती है आईडी, और ये जो आईडी होती है इसकी वैल्यू आईसी ही होती है। आईडी इज इक्वल टू आईसी, सेम डायरेक्शन, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन है, जितनी करंट आएगी उतनी ही जाएगी, जितनी करंट आएगी उतनी ही जाएगी। जो बीच में हम छोड़ देते ना, कभी सोचते नहीं थे, तब तक करा तब तो तुमने नहीं सोचा कि सर किरचॉफ लॉ बता रहे हो आप, यहाँ पे बोले दो एम्पियर, यहाँ बोल दे रहे हो जीरो है, कुछ नहीं करंट, ऐसा कैसे होता है? अब तो नहीं पूछा तुमने, पूछना चाहिए था वहां पे सर से, यार किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ हमेशा लगता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितनी करंट यहाँ है उतनी करंट यहाँ है, उतनी ही अंदर होती है, ना कम ना ज्यादा, ना एक रत्ती कम ना एक रत्ती ज्यादा, एग्जैक्टली सेम। आईडी की वैल्यू हमेशा आईसी होती है, लेकिन ये तब है जब डी क्यू बाई डी टू यानी कि कैपेसिटर पे चार्ज वेरिएबल हो। तो अगर कैपेसिटर पे चार्ज वेरिएबल है तो उस समय तुम्हारे पास अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है, लेकिन अगर कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में पहुंच गया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया या फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, तो स्टेडी स्टेट में तुम्हारा क्यू कांस्टेंट हो गया, तो अगर क्यू कांस्टेंट तो अंदर फील्ड कांस्टेंट, फील्ड कांस्टेंट तो फ्लक्स कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट तो कोई इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई इंड्यूस करंट नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, आईडी की वैल्यू जीरो। वैसे भी आईडी आईसी होता है, तो अगर क्यू कांस्टेंट तो डी क्यू बाई डी टी जीरो होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो तभी आती है जब कैपेसिटर, सिर्फ और सिर्फ तभी आती है जब कैपेसिटर या तो चार्जिंग पे होता है या डिस्चार्जिंग पे होता है। यहाँ पे लिख देता हूं, अगर क्यू कांस्टेंट तो आईडी जीरो है, तो इसका मतलब है कि आईडी सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी जब या तो कैपेसिटर चार्जिंग पे हो या डिस्चार्जिंग पे, या डिस्चार्जिंग, अदरवाइज कभी नहीं आती, चार्ज वेरिएबल होना चाहिए और आईडी की वैल्यू आईसी होती है, सेम डायरेक्शन सेम वैल्यू। अब बोलो बेटा थोड़ा समझ में वैल्यू कितनी आती है, वो एप्सिलॉन डिफाई बाय डीटी एक्चुअली आईसी ही लिखा हुआ यहां पे कैपेसिटर के केस में, जनरल फॉर्मूला तो यही। सर अगर एसी सोर्स है तो आईडी हमेशा रहेगी ना?
इंस्टेंटेनियस कभी इंस्टेंट पे जीरो होगा साइकिल में जब जब होता है, लेकिन मतलब लगातार जीरो नहीं रहेगा। सर और जो आपने आईडी लिखा है एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाय डीटी, सर ये कैसे मैच कर रहा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से? बेटा देखो, ये फाइ जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डी एस, ई डॉट ए, तो वही ई डॉट ए किया। देखो ई ए के साथ एरिया वेक्टर के साथ जीरो बना रहा है, तो ये कॉस जीरो, ई कॉस जीरो इंटू ए। फ्लक्स तो बहुत आराम से निकाला होगा ना, तो समझ गए होगी इंटू ए होगा। और फिर रख दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको सॉल्व कर लिया। तो देखो सॉल्व करने के बाद dq बाई dt आ रहा है, और dq बाई dt क्या है भाई? कैपेसिटर पे किसी समय चार्ज q है और dt टाइम में dq चार्ज और आ गया, तो आया तो वायर से ही होगा ना, उतना ही आया होगा वायर से जितना यहाँ पे कैपेसिटर में बढ़ा है, आ तो सब वायर से रहा है ना, इसीलिए dq बाई dt वायर की करंट है। वायर की करंट को कंडक्शन करंट कहते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों सेम चीज है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। अब समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े? यस सर, थोड़ा सा लिखना है। तो सर ये पहले आप हाइपोथेटिकल करंट क्या बता रहे थे? क्योंकि बेटा ये हाइपोथेटिकल अभी भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज तो ना चल रहा है। करंट हम लोगों ने कैसे पढ़ी बचपन में? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये फ्लो ऑफ चार्ज तो ही ना, इसलिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे मीटर लगाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो एक करंट फिर कैसे बोल रहे करंट है, मतलब इसकी प्रेजेंस कैसे सो रही है? वही तो बोला हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से। हमें अपने दिमाग में करंट की डिफिनेशन, क्योंकि एक्चुअली मैं जब पढ़ाता हूँ ना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो थ्योरेटिकली मैं बार बार एक्चुअली अपने दिमाग में रखा हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को क्या बताता हूँ, मुझसे कोई पूछता है तो मैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जब चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहली बात बच्चों के दिमाग में एक क्लास यही डालता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमेशा करंट से आती है। करंट वो है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे, और सिंस अंदर मैग्नेटिक फील्ड है कैपेसिटर की प्लेट के भीतर और चार्ज नहीं चल रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसी ना किसी करंट से आई होगी, उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जो कि चार्ज के चलने के फॉर्म में नहीं दिखती। ठीक है, ओके सर। मतलब ये थ्योरेटिकली मैग्नेटिक फील्ड की जो डिफ्लेक्शन शो होता है उसकी वजह से है, बाकी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, यही बोल रहा हूँ। ओके सर। ये नॉन ट्रेडिशनल टाइप की चीजें हैं, मतलब जैसे पहली वाली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी बेसिक चीजों को नहीं मानती थी, नॉन कंजर्वेटिव क्लोज लूप फ्लक्स चेंज की वजह से नॉन कंजर्वेटिव इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं तुमसे कुछ थ्योरेटिकल चीजें पूछने जा रहा हूँ जो अभी तक है उसके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कुछ एग्जाम्पल, और इसमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक कैपेसिटर है वो अपनी स्टेडी स्टेट पे, प्लस क्यू माइनस क्यू स्टेडी स्टेट, सब लोगों ने पढ़ा है स्टेडी स्टेट आरसी सर्किट। क्या होता है स्टेडी स्टेट? जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो सर्किट में करंट कितनी हो जाती है? अगर स्टेडी स्टेट है तो बताओ आईसी कितना? जीरो। जीरो। तो अब बताओ अगर स्टेडी स्टेट है तो आईडी कितना? जीरो। तो फिर आएगा ही तो एप्सिलॉन डी फाइव बाय डीटी भी नहीं होगा। बट डी फाइव बाय डीटी में टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए ना कुछ चीज, टाइम के साथ कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो आईसी भी जीरो आईडी भी जीरो। ये हो गया पहला क्वेश्चन, सिंपल सी यही पूछ रहा था। अब मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन, एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्जिंग है, चार्जिंग के दौरान इस कैपेसिटर पे बैटरी से 2 एम्पीयर की करंट आ रही है, ये 2 एम्पीयर ये 2 एम्पीयर, ये आईसी है, ये आईसी है।
अब बताओ यहाँ पे आईडी कितनी होगी? सर टू होगी, आईडी भी टू होगी, आईडी भी टू होगी। ओके, सर अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, कंटिन्यूटी है, बिल्कुल कंटिन्यूटी है, बिल्कुल कंटिन्यूटी है, यही है, यही तुम्हारा आईडी इज इक्वल टू आईसी होता है। थर्ड क्वेश्चन, मान लो तुम्हारा एक रीजन एक कैपेसिटर है और वहां पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे टाइम के साथ बदल रही वो दे रखा है, डी बाई डी टी। एक क्वेश्चन में दे रखा है कि डी बाई डी टी इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने की रेट है 1 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड या 10^5 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा ज्यादा तेजी से बदलते हैं, 10^5 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने की रेट है और तुमसे पूछ रहे हैं बताओ वहां पे आईडी कितना है, आईडी कितना है, बोलो कैसे करें, आईडी का क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। कैपेसिटर की प्लेट का एरिया दे रखा है 10^-4 मीटर स्क्वायर, ये क्या करें, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए करते हैं, एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर रहने में, एरिया कॉन्स्टेंट है बाहर लेना, तो बचा खाली का टर्म डी बाई डी टी, ये वोल्टेज 10t+2 टाइम का फंक्शन है। अब तुमसे पूछ रहे हैं बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी, बोलो क्या करें, बोलो पहले चार्ज निकालने सीरीज से और उसको डिफरेंशिएट कर दिया रिस्पेक्ट में। वेरी गुड बेटा, यही जानना चाहता था, डीक्यू बाय डीटी में क्यू को लिख ले बेटा सीवी। अब सी तो कांस्टेंट है बाहर ही आ जाएगा भाई, है तो भाई आईडी आईसी डीक्यू बाय डीटी, सी तो बाहर आ जाएगा, सी बाहर आ गया बचा अंदर क्या, डीवी बाय डीटी, डीवी बाय डीटी 10t+2 का डिफरेंशिएशन, सी डीवी बाय डीटी, सी कितना था 2 माइक्रोफैराड, डीवी बाई डी टी 10t+2 का 2 का 0 20 का 10, बस ये आ गया 2 × 10^-5 एम्पियर, यही यहाँ पे आईडी की वैल्यू है। तो इसी टाइप से बुक में क्वेश्चन मिलेंगे, इसी टाइप से बुक में क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल से क्वेश्चन, ये चारों एग्जांपल देख लो, बुक के क्वेश्चन पे भी कभी करा देता हूँ। साफ साफ लिख देता हूँ, वी 10t+2 वेरिएबल था, टाइम का फंक्शन था, तो अगर कैपेसिटर पे वोल्टेज बदलेगा तो कैपेसिटर पे चार्ज बदलेगा, चार्ज बदलेगा फील्ड बदलेगी, फ्लक्स बदलेगा, आईडी आएगा। सर सेकंड वाले एग्जांपल में आपने चार्जिंग क्यों लिखा है? चार्जिंग इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे बाहर वाले सर्किट में करंट है, मान लो अगर मैं लिखता कुछ ना लिखता तो भी तुम आंसर यही लिखते, 2 एम्पीयर का 2 एम्पीयर ही लिखते, बट अगर बाहर करंट है तो इसका मतलब है कि चार्ज यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, और अगर यहाँ पे चार्ज बिल्डअप हो रहा है तो पक्की बात चार्जिंग तो अपने आप ही बन जाएगा, ना भी लिखता था डिस्चार्ज है, क्योंकि अगर कैपेसिटर चार्ज ना हो रहा था, डिस्चार्ज ना हो रहा तो फिर ये सिचुएशन होती, तो पक्की बात आईसी जीरो होता। ठीक है सर, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर जब चार्ज लेना बंद कर देता है तो बाहर सर्किट में करंट जीरो ही जाती है। सर क्या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहां पे सर आईसी ज्यादा हो आईडी कम? आईसी अगर कैपेसिटर वाला केस है तो बिल्कुल नहीं, आईसी आईडी सेम होगा, और कहीं पे भी तुम्हारा बेटा कहीं पे भी ऐसा हो मामला करंट का तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, हो ही नहीं सकता ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वायलेशन हो जाएगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किरचॉफ सेकंड लॉ का कोई वायलेशन नहीं, ना डीसी सर्किट में ना एसी सर्किट में, अभी तो एसी में भी वही लगाते हैं। लिख लो बुक, खोलो बुक में, देखो सबसे पहले ही टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट का, देखो उसमें कुछ ट्राई और सेल्फ में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होंगे, उनको अभी कभी लगाओ। जो ना लगे वो पूछो,
अभी कभी उनको ट्राई कर डालो। हेलो बेटा, लिख लिया सबने? यस। चलो यस बुक। बुक खोलो ईएमवीएस वाले चैप्टर में, पहला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट। बुक में देखो कुछ ट्राई और सेल्फ होंगे इसके, वो पहले वो लगा लो, फिर एक्सरसाइज लगा लो। एक्सरसाइज होगी एक, स्कूल स्टार्ट होगा तुम लोगों के? यस सर। जाने लगे? हाँ सर, ऑफलाइन। अरे ऑफलाइन जाने लगे वहाँ पे? यस सर। हेलो, तो फिर कितने बजे आते हो फिर स्कूल से? 2 बजे सर, 1 बजे तक। 2 बजे तक? अच्छा, चलो तब तो ठीक है। 2:30 बजे तक घर आते हैं, 2 बजे तो छुट्टी होती है। अच्छा, चलो अब तो फिर थोड़ा बहुत थकना वकना स्टार्ट होगा तुम लोगों का। वही आने जाने का बढ़ जाता है और क्या टाइम बाकी। सर हमारा कोर्स कब तक खत्म करेंगे आप बेटा? कब तक चाहते हो? जल्दी चाहते हो या जैसे चाहते हो? मतलब ये ऐसा नहीं, अरे सर आपने कुछ प्लान बनाया होगा ना। देखो प्लान ये है कि तुम लोगों का अभी चल रहा है अगस्त सितंबर, क्योंकि इसके बाद ईएम वेव्स के बाद सिर्फ ऑप्टिक्स है बड़ा, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, तो ऑप्टिक्स में लगेगा जो टाइम लगेगा। मान लो तुम्हारा ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है 23-24 अगस्त से, तो ऑप्टिक्स चलेगा तुम्हारा सितंबर तक, और उसके बाद सितंबर के बाद 15 दिन, मतलब मिड अक्टूबर तक। क्योंकि ऑप्टिक्स के बाद खाली चैप्टर के नाम है और दो दो दिन के चैप्टर है। सही है, क्लास 12 का कोर्स खत्म करेंगे, क्लास 11 में रिवाइज करा दीजिएगा। हाँ करा देंगे। सर अक्टूबर तो पूरा जाएगा सर, क्योंकि क्लास कोई नहीं होती हमारी। अच्छा, तो तुम्हारा जेईई मेन का पहला वाला जेईई मेन कब पड़ेगा? अगले साल का जेईई मेन का पहला फर्स्ट सेशन कब आएगा? समझ लीजिए जनवरी। तो ठीक है, तो टाइम है तुम्हारे पास। और सर तो उससे पहले बोर्ड का टर्म 1 भी तो है, नवंबर में टर्म 1 है ना? नवंबर में सर टर्म 1। टर्म 1 में फुल सिलेबस है कि 70% सिलेबस है? 50% है सर अभी तक का जितना है सब। वही तो हो चुका होगा ना उसका सिलेबस तो कवर। तो सर उसमें ऑप्टिक्स वाले भी एक दो चैप्टर हैं। ऑप्टिक्स तो अभी हो जाएगा ना, ऑप्टिक्स तो अगले अभी स्टार्ट हो जाएगा ना, इसी वीक से अगले वीक से ऑप्टिक्स तो हो जाएगा। सर मिड अक्टूबर से पहले खत्म करना पड़ेगा क्योंकि 7 नवंबर को केवीपीओ का एग्जाम है, तो उससे पहले ही थोड़ा सा। अच्छा, मैं तो जल्दी करा दो, मतलब तुम लोग समझ लोगे, मतलब मुझे कोई नहीं, मैं तो क्रैश कोर्स नहीं सर, आराम से पढ़ाइए, आराम से, मतलब उतना भी फास्ट नहीं। देखो फास्ट पढ़ाने का फायदा नहीं करना है, मैथ में वैसे क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा। अच्छा देखो, 20 दिन में एक जेईई मेंस का क्रैश कोर्स चलता है, मैं बता रहा हूँ, 20 दिन में मैं पढ़ाता हूँ उसको, और या आलमबाग सेंटर पे, मतलब पिछले कई सालों से मैं ही पढ़ा रहा हूँ उसमें क्रैश कोर्स इंजीनियरिंग वाला। फ्री? क्रैश कोर्स में 20 दिन में मैं 11 और 12 दोनों करा देता हूँ, तो वो वाली आर्ट है मेरे पास, चाहोगे तो मैं वो यूज कर सकता हूँ। कराने के बाद ये वाली कला तब कराइएगा जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब सही रहेगा। उसके बाद कई क्रैश कोर्स कराइएगा हमारा, क्या फर्क पड़ता है सर, 10 दिन में करना है ठीक। 10 बार 4।
देख लो बुक के क्वेश्चन देख लो, सबको लग रहे हैं? यस सर लग, सारे हो गए, सारे टाइप सर। ये सर एक ही एक्सरसाइज है इसमें? हाँ उसके देख लो, उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट के जो क्वेश्चन मिले वो कर लो, कोई छोटा नहीं चाहिए, जो ना है वो अभी कभी पूछ लो। सर तीन ही क्वेश्चन थे। अच्छा तीन हो गए? हाँ सर। यस चलो बढ़िया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट समझ गए, अगर डिस्प्लेसमेंट करंट के तीनों क्वेश्चन हो गए तो डिस्प्लेसमेंट समझ गए। ठीक सर, बेसिकली इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या? नहीं नहीं बेटा अभी और है, अभी है ये मेस है बेटा, और पढ़ना है, बिल्कुल हड़बड़ी मत करो। एक्सरे दिया है आगे? और बाकी हम लोग जो है करेंगे नेक्स्ट क्लास में ईएम वेव की प्रॉपर्टी। कब से स्टार्ट करेंगे सर? बेटा ईएम वेव के खत्म होने के बाद। अरे वही मतलब कब से खत्म होएगा? हो जाएगा, परेशान मत हो, अब ये दो क्लास लगेगा या तीन क्लास लगेगा इससे ज्यादा थोड़ी ना लगेगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट सर। थैंक यू सर।